भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची ग्रामीण जिला द्वारा जिला अध्यक्ष विवेक आनंद के नेतृत्व में लापुंग की घटना के विरोध में रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन देकर विद्यालय प्रबंधन पर कार्रवाई करने तथा शिक्षक को पुनः बहाल करने हेतु ज्ञापन दिया गया। दरअसल रांची जिले के लापुंग प्रखंड स्थित आरसी प्राथमिक विद्यालय सारंगलोया नामक सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय में मेरिट के आधार पर नियुक्त हुए लापुंग निवासी अभिषेक कुमार को योगदान के महज 5 दिनों के अंदर योगदान को अस्वीकृत कर दिया गया। विद्यालय के सचिव सुनील खाखा ने उनके योगदान पत्र में यह लिखा कि सारंगलोया मिशन स्टेशन के लोगों के भारी विरोध और दबाव के कारण योगदान अस्वीकृत किया जाता है। पदाधिकारी नहीं है, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ के प्रधान सहायक जो हैं उनको बुलाया गया है। अभी उनको हम लोग आवेदन सौंपेंगे। मामला ये है कि रांची जिले के लापुंग प्रखंड में विगत 26 अगस्त 2022 को लापुंग के निवासी अभिषेक कुमार की नियुक्ति हुई थी। वहाँ एक विद्यालय चलता है, उस विद्यालय का नाम है आरसी प्राथमिक विद्यालय जो सारंगलोया में चलता है, और वो विद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय है। वहाँ मेरिट के आधार पर अभिषेक कुमार की नियुक्ति 26 अगस्त 2022 को हुई और योगदान के महज 5 दिन के अंदर उनके योगदान को अस्वीकृत कर दिया गया, और विद्यालय प्रबंधन के सचिव सुनील खाखा ने ये कहकर उनके आवेदन को उनके योगदान को अस्वीकृत कर दिया कि आप ईसाई नहीं हैं और आप ईसाई नहीं हैं इसीलिए आप इस विद्यालय में काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहकर के उनके योगदान को निरस्त कर दिया। उसी के विरोध में हम लोग आज जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने आए हैं कि ऐसे विद्यालय प्रबंधन जो सरकारी सहायता से अनुदान प्राप्त होता है उसके प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभिषेक कुमार की नियुक्ति जो मेरिट के आधार पर हुई थी, सारी चीज़ों की जानकारी होते हुए उनकी नियुक्ति हुई और नियुक्ति के बाद इस प्रकार की घटना घटी है, तो विद्यालय प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई हो, उनको अगर अभिषेक कुमार को तुरंत वहाँ पर पुनः बहाली नहीं किया जाता है तो उनके अनुदान पर रोक लगे, और अगर हमारे आवेदन पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश में इस आंदोलन को खड़ा करेगा, क्योंकि एक देश में दो विधान दो कानून नहीं चल सकते हैं। जिस प्रकार से आज झारखंड में ये तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग झारखंड में नहीं इंग्लैंड में या पाकिस्तान में रह रहे हैं। एक विशेष समुदाय के द्वारा जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहा है, बलात्कार की घटनाएँ हो रही हैं, लोगों को जला दिया जा रहा है, तो आज ये शासन निरंकुश हो चुका है, सरकार निरंकुश हो चुकी है, उसी के विरोध में हम लोग आज आए हैं आवेदन देने के लिए। अगर ये हम लोग का मांग जल्द से जल्द पूरा होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो झारखंड प्रदेश जिस प्रकार से जल रहा है उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।